हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न इट ऑफ फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज हम बात करेंगे रैमिंग मास के बारे में। तो रैमिंग मास, इसको हम सिलिका रैमिंग मास भी बोलते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो रैमिंग मास से रिगार्डिंग है, और हमको आज ये पता करना है कि रैमिंग मास हमको जब हम एक लेडल का प्रिपरेशन करते हैं या फिर फर्नेस की लाइनिंग करते हैं तो जनरली रैमिंग मास के कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो इस आज के इस वीडियो में हमने लेडल कंसिडर किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसको आगे। तो रैमिंग मास को, जैसे कि हम सबको पता है कि स्टील मेल्डिंग शॉप के अंदर में रैमिंग मास का लाइनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है रैमिंग मास को। और रैमिंग मास का लाइनिंग जो है वो जनरली होता है टंडिश के अंदर, सॉरी फर्नेस के अंदर में और लेडल के अंदर में। वैसे टंडिश में भी होता है रैमिंग मास यूज, बहुत सारे प्लांट्स में जो है वो रैमिंग मास की लाइनिंग यूज़ करते हैं टंडिश के अंदर भी, बट वो बड़ी बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है, खासकर जो है वो फर्नेस और लेडल में होता है। लेकिन लेडल के कंपैरिजन में फर्नेस के अंदर में रैमिंग मास जो है उसके डिपेंडेंसी जो है परफॉर्मेंस की फर्नेस के, वो रैमिंग मास पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। रैमिंग मास पर डिपेंड करती है मतलब उसकी लाइनिंग पर डिपेंड करती है। अगर वो लाइनिंग ढंग से नहीं होगा तो उससे परफॉर्मेंस पर इफेक्ट जरूर आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, थोड़ी सी बात कर लेते हैं रैमिंग मास की। और तो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रैमिंग मास के लाइनिंग के लिए, चलिए देखते कौन कौन से हैं। तो पहला तो है कि जो लाइनिंग मटेरियल हम ले रहे हैं रैमिंग मास, उसका जो ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड में होते हैं M1, M2, M3, M4, इस तरीके से अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो वो प्रॉपर ग्रेड होना चाहिए। वो ग्रेड डिपेंड करता है आपका कि आपका फर्नेस कितने टन का है, उसके हिसाब से ग्रेड्स भी होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका 5 टन का अगर फर्नेस है तो M3 ग्रेड का यूज़ होगा, तो उसके हिसाब से जो है वो ग्रेड जो सप्लायर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं आपको। तो उसके हिसाब से ग्रेड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, लाइनिंग मटेरियल जो है वो प्रॉपर ग्रेड का होना चाहिए। उसके बाद में जो है जो लाइनिंग प्रैक्टिस हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो केयरफुली एंड सिस्टमेटिक लाइनिंग प्रैक्टिस, मतलब कि बहुत ही आराम से बिल्कुल सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको पूरा उसकी लाइनिंग करना, लाइनिंग प्रैक्टिस होना चाहिए और वो सिस्टमेटिक होना चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एक जगह आपने कॉम्पेक्शन ज़्यादा किया और दूसरी जगह कम किया। और तीसरा जो है वो कंसिस्टेंसी इन वर्किंग कंडीशन, इसका मतलब है कि रैमिंग मास हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो लाइनिंग हमने की हुई है, जिस एटमॉस्फेयर में हम लाइनिंग को यूज़ कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन जो है वो फुलफिलमेंट उसमें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो तीन टाइप्स की जनरली मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लाइनिंग्स होती है, वो तीन टाइप की लाइनिंग आपने शायद पहले सुनी भी होगी, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। पहली होती है एसिडिक, दूसरी होती है बेसिक और तीसरी होती है न्यूट्रल। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइनिंग्स है वो होती है एसिडिक। जनरली हम जो हमारे स्टील प्लांट्स में यूज़ करते हैं वो एसिडिक लाइनिंग यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने का कारण जो है वो है कि एक तो वो लो कॉस्ट होती है, दूसरी जो है वो गुड टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, तीसरा जो है वो लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और चौथा जो है वो टाइटनेस जो है लिक्विड मेटल का उसके लेयर्स के आसपास में वो बढ़िया से होता है, मतलब कि वेल टाइटनेस ऑफ लिक्विड मेटल। और भी इसके दूसरे पैरामीटर्स होते हैं एसिडिक यूज़ करने के, लेकिन जो मेन चार है वो यही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कैलकुलेशन की एक बार बात कर लेते हैं। तो रैमिंग मास की जो हमको क्वांटिटी निकालना है, आज के वीडियो हमारा इसी मेन पर्पज पे है, तो इसकी जो क्वांटिटी हमको निकालना है उसके लिए जो सबसे पहले हमको चाहिए रहेगा वो चाहिए रहेगा वॉल्यूम। मतलब आपको आपका जो लेडल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि लेडल का लाइनिंग अभी हमको करना है और उसके अंदर में ब्रिक्स लग चुकी है ऑलरेडी। अब ब्रिक्स लगने के बाद में जो लेडल के अंदर के डायमेंशन बचेंगे और जो आप अंदर में फर्मा रख रहे हो, तो ये दोनों को आगे अभी हम और डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों के वॉल्यूम हमको एक बार पूरे लेडल का और एक बार वो जो फर्मा रखेंगे जिसमें लिक्विड मेटल आने वाला है लाइनिंग के बाद में, एक वो एरिया, तो वो पूरा जो है वो वॉल्यूम हमको निकालना है और उन दोनों के वॉल्यूम को हमको माइनस कर लेना है और उसके बाद में डेंसिटी से इंटू करके हमको रैमिंग मास का कितना क्वांटिटी लगेगा वो हमको आ जाएगा आगे में। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है 3.14 इंटू एच इंटू ब्रैकेट के अंदर ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 12,000। तो यहाँ पे ए जो है वो लेडल का टॉप है, बी जो है वो लेडल का बॉटम है, और एच जो है वो लेडल की हाइट है। आपको आगे वीडियो में और ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
और दूसरी चीज वॉल्यूम के अलावा जो हमको जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो जनरली 2 से 2.2 टन होती है पर मीटर क्यूब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लैडल का वॉल्यूम निकालेंगे, जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कुछ ही देर पहले, तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये जो देख सकते हैं यहाँ पे एक लैडल है, ये जो ब्लू कलर में है ये पूरा पूरा एक लैडल है, और उसके अंदर में ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, इसके अंदर में मेटल है। तो ये सिर्फ वो जगह है जहाँ पे मेटल आने वाला है, एक्चुअल में इसमें मेटल है नहीं। तो सबसे पहले हमको ये जो बड़े वाला लैडल है, जो लैडल के जो आउटर डायमेंशन है पूरे पूरे लैडल के, वो हमको निकालना है। तो इसको हम टॉप बोलेंगे। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये टॉप हो गया, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये बॉटम हो गया लैडल का, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो सीधी दूरी है वो लैडल की हाइट हो गई। तो इन सारे डेटास को जो है वो हमको यहाँ पे डालना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फुल लैडल वॉल्यूम एक्सेप्ट ब्रिक्स, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ब्रिक्स ऑलरेडी है, और उसके बाद के अंदर के जितने भी डायमेंशंस बनते हैं वो सारे डायमेंशंस हमको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। तो अब एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि 2 मीटर 300 जैसा है, मतलब 2.3 जैसा मीटर जैसा है हमारा लैडल का टॉप, मतलब यहाँ से लेके और ये यहाँ तक की दूरी जो है वो 2 मीटर 300 है। उसके बाद में लैडल का बॉटम जो है वो 1.9 ले लेते हैं, 1.9 जितना है, और लैडल की टोटल हाइट जो है वो तकरीबन 2.5 मीटर जितनी है, चलिए मान लेते हैं कि 2.6 जितनी है। तो जैसे ही हम ये लेंगे उसके बाद में आपके पास में कि ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने देखा ही है। तो डायरेक्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वॉल्यूम पूरा यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से जिस एरिया में लिक्विड मेटल आने वाला है हम उसको निकालेंगे उसके बाद में, और फिर जो टोटल आया है उसमें से हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में ये जो खाली जगह बची हुई जिसमें ये ब्लू ब्लू कलर भरा हुआ है, इस पूरे का वॉल्यूम हमारे पास में आ जाएगा माइनस करने के बाद में। तो हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये 2 मीटर है लैडल का टॉप लिक्विड मेटल के लिए, उसके बाद में उसका बॉटम जो है वो तकरीबन 1.5 मीटर जितना है, और उसका लैडल की जो हाइट अंदर की बची हुई है वो 2.4 जितनी है। ये हाइट 2.4 ये यहाँ से लेके और ये इस वाले पॉइंट तक को कंसिडर की गई है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर किया तो ये इसका भी वॉल्यूम आ गया है यहाँ पे। अब अपने को कैलकुलेटर के अंदर में इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को माइनस करना है। तो ये जो वॉल्यूम का डिफरेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 0.00321903 जैसा ये आया हुआ है एक वैल्यू, ये वॉल्यूम का डिफरेंस है। अब इसके अंदर में हमको रेमिंग मास का डेंसिटी का जो है, रेमिंग मास की डेंसिटी का जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो डायरेक्ट हमारे पास में कितना टन रेमिंग मास लगने वाला है उसके हमारे पास में क्वांटिटी आ जाएगी। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रेमिंग मास की डेंसिटी लिखेंगे। रेमिंग मास की डेंसिटी जो है वो 2 से लेके, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया कि 2 से लेके 2.2 के बीच में हो सकती है, तो मैं यहाँ पे 2.2 ले रहा हूँ। 2.2 जो है वो 10 पर क्यूबिक मीटर है। इसको हम केजी पर क्यूबिक मीटर में बदलने के लिए 1000 से इंटू करेंगे, तो जैसे हम 1000 से इंटू करेंगे वो 2200 हो जाएगा, और फिर ये 2200 का हम इस वॉल्यूम के अंदर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास में एक ये नई वैल्यू आ जाएगी 7.1, और यही है आपका रेमिंग मास का क्वांटिटी, मतलब 7.1 टन इतना जो है आपको रेमिंग मास लगेगा अगर आपके लैडल के डायमेंशंस बाहर के ये है और अंदर के ये है। अब ये 7.1 टन जब आया आपके पास में, तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास में लैडल का रेमिंग मास का एक बैग जो है वो 50 kg का है। आपने जैसे ही इसको 50 इंटर किया तो यहाँ पे 141 जैसा आया है, मतलब आपको टोटल 142 बैग लगेंगे 60 टन रेमिंग मास के लिए, अगर आपका एक बैग 50 kg का है और आपके लैडल का डायमेंशन अगर ये इस तरीके से है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको अगर आपको पेपर कैलकुलेशन चाहिए तो मैं पेपर कैलकुलेशन की एक शीट बना के भी अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि कई सारे गेस्ट ने रिक्वेस्ट भी किया था कि पेपर कैलकुलेशन भी चाहिए हमको, तो इस वीडियो में आपको पेपर कैलकुलेशन की शीट भी आगे में मिलेगी, आप उस पर कैलकुलेशन एक बार देख सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और ये पूरी जो शीट है अगर आपको चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप इसको रख के डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर बनाया हुआ है डायरेक्टली, जिसमें कि आपको कभी कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसमें सिर्फ आपको
वैल्यूज जो है वो इंटर करना है, तो डायरेक्टली आपके पास में आंसर आ जाया करेगा। और ये जितने भी येलो कलर से ये सब बने हुए हैं, इन सब में आप वैल्यूज डाल सकते हो, बाकी सब सेल्स जो है वो लॉक किए हुए हैं, उसके अंदर में आपको बाकी के जगह पे आपको वैल्यूज डालना नहीं है, वो सब अपने आप आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये आज वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियोज़ में हम और एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे, कुछ नए कैलकुलेशंस या फिर कुछ थ्योरीज लेके आएंगे। तो टिल देन आप बने रहिए हमारे साथ में। टाटा, बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपके लिए पेपर कैलकुलेशन इस वीडियो में लेके आऊँगा, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने नहीं लिए कैलकुलेशंस। एक्चुअली हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि मैं आपके लिए अब तक चैनल पे जितने भी वीडियोस डले हैं उन सबका एक कॉमन वीडियो बना के सभी तरीके के कैलकुलेशंस को पेपर कैलकुलेशन करके और एक नया वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो उस चीज़ के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आपको पेपर कैलकुलेशन भी ज़रूर मिल जाएगा, जिससे कि मैं भी समझता हूँ कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तब तक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर कोई क्यूरी हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, अपना प्यार बनाए रखें। टिल देन, गुड लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।